देखिए ऐसा है, मेरा नाम अभय मिश्रा है, मैं राजनीतिक प्राणी से नहीं हूँ, मैं सामान्य परिवार से हूँ। मेरे पिताजी क्लर्क थे यहाँ और मैं जनपद अध्यक्ष सिरमौर का रहने वाला हूँ, जनपद अध्यक्ष था सिरमौर का। फिर मैं समैया नया परसीमन हुआ, 69 पंचायतें चली गई, मैं वहाँ से विधायक रहा। फिर मेरी पत्नी विधायक रही, फिर मैं जिला पंचायत अध्यक्ष रहा। फिर मैं पिछला चुनाव रीवा में लूज कर गया। अभी मैं इस बार समैया से चुनाव लड़ना चाह रहा हूँ। समैया में मेरे पास जो मेरा 5 वर्ष का कार्यकाल था उसमें मैंने काफ़ी कुछ काम किया था, मुझे अपने से मुँह से बताना अच्छा नहीं लग रहा मैंने क्या किया क्या नहीं किया, ये जनता जानती है, जनता उसका मूल्यांकन। मुझे ऐसा लगता है कि उस 5 साल के बाद जब मेरी वाइफ एमएलए थी तो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते समैया में बहुत विकास नहीं हो पाया, केवल ये पुलों का निर्माण उनके द्वारा हुआ और समैया मानिकपुर की रोड उनके द्वारा बनवाई गई और सीधी महिला थी, वो बहुत राजनीति नहीं जानती थी। 3 वर्ष में ही वो CM साहब से मिलकर अपना इस्तीफा ले गई थी, मुझसे नहीं हो पाया। CM साहब ने समझाया था कि पार्टी की बदनामी होगी, 2 साल किसी तरह काट लो, उन्होंने बोला था कि मैं आगे राजनीति नहीं करना। अब मैं अपने धरने पे था, कुछ नहीं मैं कर रहा था समैया में, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था कि जिससे मैं ये कहूँ कि मैं लोगों के बीच में अपना काम करके अपने आप को, ये जरूर ऐसा काम कर रहे थे वर्तमान विधायक जी, 69 लोगों पे फर्जी मुकदमा, 19 लोगों पे मारपीट, जो फोटो खिंचवा ले कुछ ना करे उसकी फसल रौदवा देना, किसी की फसल को कटवा लेना, किसी का हाथ पैर तोड़वा देना, किसी पत्रकार पे हमला करा देना, इतना ज़्यादा भय का वातावरण, आतंक का वातावरण। और दूसरा भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार में जो विधायक निधि है, विधायक निधि में वो जो प्रमोद शर्मा कहते हैं गलत नहीं है, जो पैसे निकाल लिए गए हैं 4 करोड़ रुपए अल्टी पल्टी के, सही है। हमारे टाइम में हमको 1 करोड़ रुपए मात्र विधायक निधि मिलते थे जिसमें 12 लाख रुपए स्वेच्छन कुल 1 करोड़, उसमें मैं वहाँ का रिसोर्स भी बनवाया हूँ उसी विधायक निधि से, 25 लाख की किस्त भी देता था एनीकट बनवाने के लिए जो मेरा नहीं बन पाया, 75 लाख रुपए मेरा 3 सालों में बर्बाद हो गया। फिर बाद में मैंने जिला पंचायत से 3 करोड़ 97 लाख रुपए दिया जिसको विधायक जी नहीं बनने दे रहे, टेंडर नहीं होने दे रहे। और भी मैंने 26 नल जल योजनाएँ दी और भी जो जो हमसे बन पड़ा हमने किया। जिला पंचायत में मैं 7.5 साल जिला पंचायत अध्यक्ष रहा, आप लोगों को कोई शिकायत मेरे बारे में मिली क्या? नहीं। हाँ, टिकट कटवाने के लिए आप बीजेपी में शामिल हुए? मैं बिल्कुल, आप ये मानिए कि मैं समैया में इस बात के लिए शामिल हुआ था कि मुझे टिकट नहीं मिले कोई बात नहीं, वर्तमान विधायक की पत्नी तक को मिल जाए वो भी चलेगा, लेकिन वर्तमान विधायक को अगर आप टिकट दे रहे हैं तो फिर मुझे शामिल मत करें। बड़ी क्लियर बात, आपने भाजपा में शामिल होकर रिवाय थे। हाँ, तो आपने कहा था कि हम चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी में शामिल। हाँ, अभी भी तो बोल रहा हूँ, अभी भी तो यही बात बोल रहा हूँ, मेरा टिकट के लिए मैं कहाँ बोल रहा हूँ, मैं अभी भी तो लगातार बोल रहा हूँ कि मेरी बात ये बिल्कुल नहीं हुई कि आप मुझे टिकट देंगे, मेरी बात ये हुई थी कि आप एक व्यक्ति को छोड़कर किसी को टिकट देंगे क्योंकि समैया के साथ अत्याचार हो रहा, ये बात थी। भाई इस बात को बोल तो रहा, बार बार बीजेपी कांग्रेस में आने जाने से आपके ही कार्यकर्ता नाराज हैं कांग्रेस के, एक विरोध कर रहे हैं आप? नहीं, ये चीजें हर दल में, हर विधानसभा में, दोनों दलों में होती। जब मैं कांग्रेस में था तब भी ये थी, मैं बीजेपी में आया हूँ तब भी है और आगे जाऊंगा तब भी होगी, दूसरे विधानसभाओं में भी होगी, जहाँ भी थोड़ा चेंज वेंज होता है ये थोड़ा बहुत होता है और ये एक प्रक्रिया सी हो गई है, अब वो पुराने जमाना की नहीं रह गई। अब आपको लगता है रीवा में कुशाभाऊ ठाकरे की भारतीय जनता पार्टी है कि रीवा में राजेंद्र शुक्ला जी की भारतीय जनता पार्टी, एजेंसियाँ बटी हुई, तो ये सब चीजें हैं। आप आगे और कुछ पूछना चाहिए? चलता रहता है सर, लेकिन जब नेता आई के पदाधिकारी करने लगे, 8 वरिष्ठ नेता है और ये 5 ही संख्या में ऐसे लोग हैं जो आपका विरोध पत्र ही बनाए हैं, ठीक है, कमलनाथ को भेजा है, कहा कि ऐसे आदमी की घटना मिली, एक मिनट, ये कैसा? एक मिनट, जब मैं कांग्रेस पार्टी में था आज से 4 महीना पहले तब भी तो यही हुआ था, झूठ बोल रहा हूँ? हाँ कि ना, हाँ कि ना, हाँ, तो वो तो प्रक्रिया है, वो चलेगी, हर किसी को लगता है, ये नहीं है कि 8-1 होते, हर किसी को लगता है कि अगर ये सबसे मजबूत वाला आदमी अगर ये रुक जाएगा तो मेरा नंबर, दूसरे को लगता है अगर ये रुकेगा तो मेरा नंबर,
ऐसा नहीं होता कि अगर ये रुक गया तो हम सब, ये एक स्वाभाविक प्रात। उम्मीदवार बनाने के बाद बड़ा हुजूम एकत्रित है आपके कौन से ऐसे मुद्दे हैं। देखिए सिमरिया में तो ये भय भ्रष्टाचार और आतंक मुक्त सिमरिया पहला मुद्दा है, ठीक है ना, अत्याचार मिटाओ ये पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा विकास का जो 5 साल में नहीं हुआ, उसमें मैंने आपको 4-5 काम गिनाए हैं अभी अभी, जैसे नहर वाला काम यहाँ से सपाहा से लेकर चचाई तक नहर की पट्टी में रोड बनाने का काम, मझिया रोड को 2 लेन करने का काम, बरकुइया रोड को 4 लेन करने का काम, सिमरिया से मानिकपुर रोड को मानिकपुर तक पहुँचाने का काम, NVDA के प्रताप नगर प्रताप पुर वाला सतना से लाके पानी जरमोहरा में छोड़ने का काम, सिमरिया थाने के पीछे दोनों पहाड़ों को जोड़कर डैम बनाने के काम, ये कुछ बड़े बड़े काम हैं। कुदहा में सिंचाई उद्वहन योजना लाने का काम, ये 5-6 काम है। मुझसे ये काम करवा लो और जो विधायक निधि वगैरह उसको प्रॉपर्ली सब जैसे हमारा पहले भी रहता था। आपने ध्यान दिया होगा जब इनके विधायक निधि का किस्सा खुला तो इन्होंने हमारी विधायक एक मिनट हमारे इन्होंने विधायक निधि के बारे में निकाला पुराना, हमारे ऊपर कितने का आरोप लगाया 5 लाख का कुल आरोप लगाया कि आपने अमित सिंह नाम के एक व्यक्ति को 5 हजार रुपए विधायक निधि से दिया है जो आपका कर्मचारी। जब मैंने दिया था तब मेरी कर्मचारी नहीं था, जब मैं विधायक होता था, उसके 6 साल बाद वो हमारे यहाँ नौकरी कर लिया, कुल इतना आरोप लगा पाए। इसके अलावा फाइनेंशियल आरोप देखिए हमारे विरोधी भी हम पे नहीं लगाते। मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की में एक मध्य प्रदेश में बदलाव आए, जो लोग जवान के धनी नहीं हैं और बार बार सत्ता चाहते हैं इनको तो 35 साल बाद भी पूछोगे तो कहेंगे एक मौका और, ये सब छोड़ के इस बार हम कमलनाथ जी के लिए काम करें, रीवा में बदलाव लाएं। आपकी रीवा जाएगी, आपकी सिरमौर जाएगी, कौन पाएगा मैं नहीं कहता, पर सिरमौर जाएगी, आपकी सिमरिया जाएगी, आपकी मऊगंज चली गई है, आपकी गुढ़ चली गई है। आज की डेट पे आप 5 सीट लूज कर चुके हो और 3 सीटों में से 1 सीट आप और लूज करोगे। आपके सामने लाइए कहीं कागज में लिख दें 2 और 6 रहेगी। आपको नहीं लगता विवाद मिला क्या? नहीं मिला। अगर हमने कभी कोई बात की होगी सत्य की होगी नहीं मत बोलिए कोई, अगर मैंने कभी कोई बात उठाई होगी तो मैंने सत्य की बात उठाई होगी कि ये वस्त्र वितरण घोटाला गलत है, ये वाटर सेट गलत है, इस टाइप में मेरा अपना कोई इंटरेस्ट नहीं रहता था, मैंने ऐसे काम किया। अभी क्या था कि सिमरिया जनता बहुत परेशान थी, काम कुछ नहीं हुआ, केवल उठपटांग चीजें हुई। नीलम मिश्रा रेस्ट हाउस में जाती हैं अपने एक किटी पार्टी सहेलियों के साथ, वही रेस्ट हाउस जो हमने बनवाया विधायक ने से, वहाँ वो खाना खाती हैं तो 2 ठो लफंगे टाइप के लड़के और 1 ठो गार्ड और 1 ठो मंडल अध्यक्ष जाके खाना खाते समय टिफिन फेंक देता है, चलो वाह विधायक जी का, ये इतना गिर के काम क्या होना चाहिए? नहीं उन्हें मैं चूंकि सत्ता पक्ष में नहीं था कोई बात नहीं, और जिस तरह से वहाँ ये सब चीज़ें चल रही थी, अब वहाँ की जनता केवल एक चीज़ तड़े हुए थी, ताके हुए थी कि मतलब अभी वोट पड़े, लोग मनाते थे कि कब वो वोट का दिन आ जाए कि मुक्ति हो जाए, हम वोटिंग कर लें। वहाँ इस बार ना विकास का मुद्दा है ना कुछ मुद्दा है, वहाँ मुक्ति का मुद्दा है कि इनसे मुक्ति कैसे हो। जब सर्वे आया ये सब चीज़ें हुई, मुझे कमलनाथ जी ने बता दिया था कि तुम्हारा सर्वे बिंध में सबसे अच्छा है, तुम जीत रहे हो, मैं तुम्हें टिकट दे रहा हूँ। इसके बाद हमको हमारे मित्र हैं कोई भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, उन्होंने बुलाया, बोले कि तुम पुराने भाजपाई परिवार है, नीलम आज तक भाजपा से हिली नहीं है, क्या दिक्कत है, जीत उसमें भी जाओगे, जीत इसमें भी जाएंगे। मैं CM साहब के पास ले जाया गया, मैं गया नहीं, मुझे बुलाया गया, उस समय मुझे पहले दिन वादा दिया। फिर जब मेरी रुचि बढ़ गई कुछ और जब बातचीत होने लगी तो बीच में ये बातें डाइल्यूट हो गई, साहब ने बोला कि अब इसकी चर्चा दोबारा नहीं करनी है, तो एक बार बात हो गई। फिर जब मैं ज्वाइन कर लिया तो मैंने उनसे कहा साहब उस वादे का क्या है, अब तो मैं जानता हूँ कि मैं आपके अंडर में आ गया तो आपके दो ही वहाँ लड़ने वाले हैं, तीसरा कांग्रेस पर प्रत्याशी नहीं बचा, कल आप अगर छल दो कर दोगे तो क्या। सुंदरिया आदिवासी और ये सब बैठे थे रजे, उन्होंने पानी का गिलास उठाया और एक फ़ोटो थी शायद उनकी फैमिली में किसी की, बोले वो फ़ोटो है और ये गिलास है और वो सूर्य भगवान है, मैं KP को टिकट दे दूँगा।
हमने ये कहा कि आप संजय द्विवेदी को दे देंगे, जनार्दन को दे देंगे, केपी की वाइफ को भी दे देंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन समझिए कि जनता बहुत परेशान है, आप उनको देंगे तो आप मुझे फिर धोखा देंगे और गलत बात फैलाएंगे। उन्होंने वादा किया, मैं ज़्यादा परेशान नहीं रहा, मैं मन में माने था कि मुझे टिकट नहीं मिलेगी, चलो दो बार जो भी विधायकी मिली उन्हीं के द्वारा मिली, कोई बात नहीं। अभी मुझे 4-5 दिन पहले कन्फर्म हो गया कि वही कर रहे हैं। मैं इनसे सबसे मिला और मैंने बताया कि साहब ये जो आप चालाकी बदमाशी और ये छोटी हरकत कर रहे हो नो, ये मैं जब 10वीं 11वीं पढ़ता था तब मैं करता था, ये मैंने CM साहब से बोला, ये मैंने तोमर साहब से बोला, मैं ये भूपेंद्र यादव साहब से बोला, सबको बता के आया हूँ कि साहब अगर आप ऐसा कर रहे हो तो फिर मैंने भी कुछ सोचा हूँ, और मैं तो जान ही गया था अंदर की बात। तो मैंने 4-5 दिन में, मैं इसके लिए तैयार नहीं था कि जो सवरिया में जितना प्रताड़ना हो रही उसका एक भागीदार मैं भी बनूँ और मैं पार्टी में रह के फिर वोट मांगूँ उसी काम के, और मैं पार्टी के अंदर रह के गद्दारी भी नहीं कर सकता कि मैं पार्टी में रहूँ, और जब तक मैं भाजपा में था भाजपा में था, जब मेरा मन नहीं लगा मैं छोड़ के कांग्रेस चला गया, लेकिन अंदर अंदर रह के मैं कभी नहीं किया। मैं 8 सीटों को ऐसा देखता हूँ, मैं बहुत स्पष्टवादी आदमी हूँ और मुझे इस बात की परवाह नहीं रहती कि मेरी कौन सी बात किसको पसंद। रीवा की 8 सीट को मैं ऐसा देखता हूँ कि जब राजेंद्र शुक्ला जी पहले चुनाव लड़ते थे तो 60,000-70,000 वोटों से, फिर इसके बाद जब मैं चुनाव लड़ा तो लोगों ने मजाक माना कि ये तो पागलपन का एक सुर्रा है, संभव ही नहीं। फिर जब मैं 53,000 वो हुआ 16,000 के अंदर से हारा, तब लोगों को झटका लगा कि अरे यार चूक गए, अगर मजाक में न लिए होते तो ये आदमी तो जीत जाता। हमारे पार्टी के अंदर भी थोड़ा भीतरघात हुआ था, उनको भी लगा। मैं कहा करता था कि मौका आया है इसको यूज कर लो, बाद में ढूंढोगे कि अभय मिश्रा मिल जाए बड़ा मुश्किल जाएगा। मैं ये भी कहा करता था कि अभय मिश्रा बनना है तो तुम बन सकते हो युवाओं, अगर तुम्हें राजेंद्र शुक्ला बनना है तो तुम्हारे पिता को भैयालाल शुक्ला बनना पड़ेगा, आपको याद है, पहले पैदा होना पड़ेगा तब होगा। उस समय वो जो गैप कम हुआ, उस गैप का परिणाम ये रहा कि लोगों के दिमाग में ये था कि ये 16,000 से अगर ताकत लगाएंगे तो हो सकता है। सब ने मिल के एकता का परिचय दिया, 12,000 से हार गए। अब सबको मालूम है ये हारे हराए बैठे हैं, अगर कांग्रेस पार्टी में एकता हो गई और हम सब ने मिल के वो कर दिया तो रीवा विधानसभा सीट चली जाएगी। यहाँ पर ये कंक्रीट रोड और ये सब कुछ नहीं है, ये रीवा की जनता है, वो ये देख रही कि तुम कमाए कितना, उसको एक पाई पाई का हिसाब लगाए है, उसको ये कम दिख रहा है कि तुम क्या बनाए, उसको ये दिख रहा है कि तुम खींचे कितना। तो एक तो ये है रीवा की सीट, वहाँ पर एक दिक्कत थी, वहाँ पर मेरी इमेज को वैसा मानते थे कि राजेंद्र शुक्ला जी बड़े सोफिस्टिकेटेड शांत और मेरे बारे में दुष्प्रचार था, वहाँ फेस से फेस लड़ेगा। मैंने अपने बाबा भाई को यही बोला कि तुम मत लड़ो मेरे भाई, वहाँ फेस में तुम कंपेरिजन नहीं करोगे, वहाँ उसी तरह का फेस चाहिए। राजेंद्र शर्मा वो फेस है, बाकी हम लोग ताकत थे। राजेंद्र शर्मा से ये चुनाव हारेंगे। क्या माना जाए कि आप सिमरिया विधायक को टिकट से मिला? कमलनाथ जी पहले तो नाराज थे कि भाई जब तुमको बता दिया था तुमने ऐसी हरकत क्यों की, फिर इसके बाद जब मैंने उन्हें समझाया कि साहब ये गुस्सा मत करिए, ये ठंडे बुद्ध से करिए, आप हमें दंड आगे पीछे भी दे लेंगे, मैं आपसे गलती स्वीकार करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, आप मुझे एक बार अभयदान दीजिए, क्षमा दीजिए, और नहीं तो ये सीट चली जाएगी। और सवरिया के लोगों का सोचिए, आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उन्होंने काफ़ी सोच विचार करने के बाद तब उन्होंने हमको कहा कि पहले तुम इस्तीफा दे के तब बात करेंगे, ये नहीं कहा कि मैं टिकट दूंगा। मैंने उनके भरोसे में, उनको आप देखिए, मैंने तुरंत इस्तीफा दिया, उन्होंने अगले दिन मेरी टिकट कर दी, क्योंकि मेरा सर्वे वगैरह बहुत अच्छा था और उनको यकीन है कि मैं चुनाव जीत के आऊँगा, और मैं चुनाव जीत के आऊँ। क्या माना जाए सवरिया में, सवरिया की जनता से जब मैं पूछा, जब मैं भाजपा में था वो कांग्रेस में था, तो 10 में से 9 आदमी कहता था कि अभय मिश्रा, जब मैं भाजपा में गया धीरू भैया तो 10 में से 5 कहने लगा। तो हमने पूछा कि बात क्या हो गई, तो बोले कि ऐसा, तो हमने कहा जब मैं मूल समस्या ही दूर किए दे रहा हूँ भाई, दोनों तो लड़ेंगे नहीं, हम लड़ेंगे या वर्तमान विधायक लड़ेंगे, जब वो नहीं लड़ेंगे तो आपको क्या दिक्कत है। तो बोलते तो फिर हम आपको वोटे काहे को देंगे जब हमारी समस्या दूर होगी, हमको तो भारत पाकिस्तान का मैच देखना है,
वो जो पैसा कमाया हुआ रखा है वो भी तो खर्चा कराना है। और वहाँ पर जो वातावरण है कि कांग्रेस से आप लड़ो तभी वोट देंगे, मैंने बताया, बीजेपी में भी बताया था और यहाँ भी बताया, और अब मैंने ज्वाइन कर लिया है। मेरा पूरा देखिए 20 साल हो गए, सीएम साहब को भी हुए,